गुड मॉर्निंग। और अभी मैं हूँ मनाली अपने मामू मामी के पास। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मुझे हिडिम्बा टेम्पल जाना है और थोड़ा सा अंधेरा है। सोच रही हूँ थोड़ा सा अंधेरा खुलने का वेट करूँ। और आप व्यू देखो पहाड़ों में, सुंदर सुंदर बर्फ पड़ी हुई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर में मैं निकलूँगी हिडिम्बा टेम्पल के लिए। फाइनली अंधेरा खुल गया है और बस अब मैं निकलने वाली हूँ हिडिम्बा टेम्पल के लिए। मुझे उस रोड से जाना है, उसे ढूंगरी रोड बोलते हैं, और मुझे बस उस रोड से निकलना है अभी। और ये वो घर है जहाँ पे जब वी मेट की एक करीना कपूर का छोटा सा शूट हुआ था, जब वो अंशुमन के पास मिलने आती है, तो वो ये वाला घर है। तो चलिए। और ये वाला है मेरे नानू का घर, यानी होटल है। ऊपर वाले पार्ट में हम पूरी फैमिली रहते हैं। चलिए। और ये है मनाली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट, जॉनसन्स बार एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। और ये जो रेस्टोरेंट है बिल्कुल ढूंगरी रोड के लेफ्ट साइड पे पड़ता है। और बस अभी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ठंड है। सबसे अच्छी बात है कि कोई क्राउड नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सुबह के ऑलमोस्ट आई थिंक 7 बज रहे हैं और कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। तो मनाली को जब ऐसे देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये है हिडिम्बा टेम्पल के लिए। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, अगर बाया व्हीकल आपको जाना है तो आप इस तरफ से जाएंगे, अदरवाइज पैदल चलना है तो आपको इस तरफ से जाना होगा, जिस तरफ से मैं जा रही हूँ। इस टाइम इतना सही लग रहा है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पीस है और चिड़ियों की आवाज़, वो कुछ जो जंगल में हल्की फुल्की जो आवाज़ें होती है, और बिल्कुल शांति। और मनाली जैसी जगह में इस टाइम टूरिज्म एकदम जब पीक पे है और सुबह जब इतनी शांति है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है यहीं कोने में कहीं मेडिटेशन के लिए बैठ जाऊँ, पर अभी तो बस हिडिम्बा टेम्पल जाना है और दर्शन करने हैं। और आई होप खुल गया होगा टेम्पल। बस वो देखो सामने हिडिम्बा टेम्पल दिख रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभी बिल्कुल क्राउड नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल सुबह है तो टूरिस्ट लोग अभी इतने सुबह आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। अदरवाइज़ दिन में यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लंबी लंबी लाइन लगी होती है। और ये जो अभी बिल्कुल लोग दिख नहीं रहे हैं, तो मुझे एकदम ना लॉकडाउन वाला पीरियड याद आ गया, जब
मंदिर में ताले लगे हुए थे और आसपास कोई भी लोग दिखते नहीं थे। तो ये पहुंच चुकी हूँ मैं हिडिंबा टेंपल। दोस्तों, हिडिंबा टेंपल का इतिहास पांडवों से जुड़ा है। ये मंदिर देवी हिडिंबा को समर्पित है। इस मंदिर को 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। यहाँ माता हिडिंबा ने अपना राक्षसी अवतार त्याग कर कई वर्षों तक तपस्या की थी। आज माता हिडिंबा को काली व दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, कुल्लू का दशहरा भी माता हिडिंबा के द्वारा ही शुरू किया जाता है। मंदिर के अंदर बहुत बड़ा चट्टान है जिसके नीचे देवी का स्थान है। चट्टान को लोकल बोली में डुंग कहते हैं, इसलिए देवी को डुंगरी देवी भी कहा जाता है। हिडिंबा टेंपल में दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घटोत्कच टेंपल। और घटोत्कच थे हमारे जो हिडिंबा और भीम के पुत्र। तो हिडिंबा टेंपल दर्शन करने के बाद लोग ज़रूर जाते हैं घटोत्कच टेंपल भी दर्शन के लिए। फाइनली मैं मंदिर जाके आ गई हूँ और बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्राउड नहीं था। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लगा। और मैं अब वापस जा रही हूँ और ये देखो धूप आ गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जंगलों के बीच से ये जो धूप पड़ रही है ना, और क्या बोलूँ, नेचर भगवान ने क्या बनाया है यार। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और अब मैं वापस जा रही हूँ घर। और आप मॉल रोड पे देखोगे कि क्राउड स्टार्ट हो गया है। सुबह के 8:45 बज रहे हैं, लोग अपने कामों में निकल चुके हैं और काम कर भी रहे हैं। और बस मैं मॉल रोड होते हुए अब वापस घर जाऊँगी। दोस्तों, आप खुश रहो, मज़े में रहो और स्वस्थ ज़रूर रहो।